जिससे लेजर लाइट की मदद से दूर कमरे में बैठे लोगों की आवाज सुन सकते हैं। वेद प्रकाश ने किसी गाड़ी के म्यूजिक प्लेयर, 12 वोल्ट की बैटरी, रेडियो के ट्रांसमीटर, स्पीकर तथा अन्य कबाड़ी के सामान से ये डिवाइस तैयार किया है। इस डिवाइस को बनाने के पीछे वेद प्रकाश का मकसद सेना और पुलिस की मदद करना है। वेद प्रकाश ने बताया कि वह इस डिवाइस को सेना को समर्पित करना चाहता है। पिछले कुछ सालों में देश में बड़ी आतंकी घटनाओं के बाद ये डिवाइस खुफिया एजेंसियों के लिए खास उपयोगी साबित हो सकती है। सर, मैंने लेजर लाइट से 100 मीटर की दूरी तक, मतलब अपने किसी बंद मकान या किसी गाड़ी के अंदर लेजर लाइट बॉक्स करके उसके अंदर जो भी बातें हो रही है वो हम सुन सकते हैं। सर, 2 साल लगे सर। सर, ये सेना को देना चाहता हूँ, सेना, पुलिस या रोक के लिए। जैसे किसी बिल्डिंग में आतंकवादी छुप जाते हैं, हमारी सेना को पता नहीं चल जाता कि अंदर कितने हैं, क्या बातें कर रहे हैं। सर, उन्हीं के लिए या पुलिस के लिए, जैसे किसी गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके अंदर जो भी बातें कर रहे हैं उनको देने के लिए। दरअसल बचपन में माचिस में धागे से बात करने के बाद से प्रेरित होकर वेद प्रकाश ने लेजर बनाने का काम शुरू किया था। रेडियो मैकेनिक पिता बलराम के साथ वेद प्रकाश ने काम करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसे सफलता मिली। हालांकि मात्र 6ठी कक्षा तक पढ़ाई कर सके वेद प्रकाश का कहना है कि संसाधनों के अभाव के कारण उसे काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। यह आविष्कार सीमित संसाधनों के बावजूद बढ़िया है। ये सर, बचपन में खेलते थे ना, वो धागे से वो बना के उस तरह टेलीफोन बनाते, उससे मैंने एक्सपायर हो गया बनाया सर। यूज सर, मैंने एक्चुअल में ये डेक वगैरह रेडियो उसके पुराने, मतलब स्पेयर पार्ट लिए। मेरे पापा रेडियो मैकेनिक थे, मैंने उनसे एक्सपायर हो गया ये बनाया सर। बहरहाल अगर पर्याप्त संसाधन मिल जाए तो वेद प्रकाश और भी कई डिवाइस तैयार कर पुलिस और सेना की मदद करना चाहता है। सिकंदर शेख, ईटीवी न्यूज, जैसलमेर। तो किसान वेद प्रकाश की इस डिवाइस की मदद से कमरे में बैठे लोगों की बातों को अब आराम से सुना जा सकेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए।